नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ पुरी की। जगन्नाथ पुरी भारतीय राज्य ओडिशा का एक शहर है जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का घर है जो भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। यह धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथ पुरी कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण का ही एक नाम है जो कि दो शब्द जगन और नाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जग का स्वामी। यह शहर अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए भी जाना जाता है, जिसके दौरान मंदिर के देवताओं को एक भव्य जुलूस में निकाला जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी पहुंचने के लिए हवाई, ट्रेन और बस सहित कई रास्ते हैं। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर, कोलकाता और दिल्ली सहित भारत के प्रमुख शहरों से पुरी के लिए नियमित ट्रेनें भी हैं। भुवनेश्वर और आसपास के अन्य शहरों से बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, एक बार पुरी में आप ऑटो रिक्शा, साइकिल या पैदल शहर के चारों ओर घूम सकते हैं। कई स्थानीय बस सेवाएं भी हैं जो आपको शहर के विभिन्न हिस्सों में ले जा सकती हैं। रथ यात्रा उत्सव के दौरान पुरी की यात्रा करना सबसे अच्छा है, जो आमतौर पर जुलाई में होता है, लेकिन तिथियां अलग अलग होती हैं। अक्टूबर से मार्च में यह शहर घूमने के लिए भी आनंददायक रहता है। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी एक समृद्ध इतिहास वाला शहर है जो प्राचीन काल से है। दंतकथा के अनुसार शहर की स्थापना राजा इंद्रद्युम्न ने की थी, जिसका एक सपना था जिसमें भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के एक रूप ने उन्हें उनके सम्मान में एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया था। राजा ने तब शहर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया, जिसे भारत के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ उड़ीसा राज्य के समुद्री तट के नजदीक बसा हुआ है। इससे भुवनेश्वर कुछ ही दूरी पर है। इस मंदिर से हर वर्ष मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के विशाल रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान मंदिर से निकलकर नगर की सैर करते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। दोस्तों, मंदिर और शहर सदियों से हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहे हैं। स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और पद्म पुराण सहित कई मध्ययुगीन ग्रंथों में मंदिर और पुरी शहर का उल्लेख है। मंदिर ने वैष्णववाद के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू धर्म का एक संप्रदाय जो पूर्वी भारत में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करता है। शहर का एक समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य इतिहास भी है। जगन्नाथ मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है और यह शहर अपनी जटिल पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है, जो स्थानीय कारीगरों के कौशल और कलात्मकता का एक वसीयतनामा है। मंदिर और शहर भी सदियों से संगीत और नृत्य सहित पारंपरिक कलाओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं। आधुनिक समय में पुरी शहर को वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के कारण दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली, जिसमें मंदिर के तीनों देवताओं को खूबसूरती से सजाए गए रथों पर एक भव्य जुलूस में निकाला जाता है। त्योहार दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। दोस्तों, इस मंदिर का प्रथम बार जीर्णोद्धार 10 सदी में कलिंग के गंग साम्राज्य के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने करवाया था। पता लगाने बाद ताम्र पत्रों से ज्ञात हुआ कि मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव के शासनकाल के दौरान ही हुआ। उनके बाद अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वह स्वरूप दिया जो कि आज है।
मंदिर में 400 सालों लग निरंतर पूजा चलती रही, लेकिन साल 1558 में अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान मंदिर को नुकसान भी पहुंचाया गया और पूजा भी बंद करवा दी गई। इस दौरान मूर्तियों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसे चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। रामचंद्र देव द्वारा राज्य आजाद कराए जाने के बाद मंदिर में पुनः मूर्तियों की स्थापना की गई। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर 3 बार टूट चुका है और 3 बार इसका जीर्णोद्धार करके मूर्तियों की पुनः स्थापना कराई गई। इस मंदिर के आसपास कुल 30 छोटे मोटे मंदिर स्थापित हैं। दोस्तों, मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं, तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्मा पदार्थ। ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था जगन्नाथपुरी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम रोज नए नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।